हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि हम बॉक्सिंग में करियर बना सकते हैं या नहीं, करियर बना सकते हैं तो कितने टाइम में करियर बना सकते हैं, हम कितनी देर प्रैक्टिस करें जिससे हम अपना करियर बॉक्सिंग के अंदर बना लें, हमें बॉक्सिंग में आगे बढ़ने के लिए कितने टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बॉक्सिंग से रिलेटेड क्या क्या करियर है। तो आज ये सारे डाउट मैं आपके दूर करने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो हमारे सबसे पहला पॉइंट आता है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं बॉक्सिंग में इतने घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं नेशनल कितने टाइम में खेल लूँगा, मैं इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ तो मैं बॉक्सिंग में कितने टाइम में आगे बढ़ जाऊँगा। तो आपको मैं ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, तो आपका ओपोनेंट भी हार्डवर्क कर रहा है, वो भी उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी मेहनत आप कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है कि अगर वो मेहनत कर रहा है तो आप नहीं जीतोगे, आपकी मेहनत आपके काम आएगी, आपका हार्डवर्क आपके काम आएगा। आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, उस चीज़ के लिए पंचल रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। बट हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें नेशनल खेलने में कितना टाइम लग जाएगा। तो सबसे बेसिक सा पॉइंट है, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं हर कैटेगरी के, सब जूनियर, यूथ, नेशनल, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वो KVS के स्कूल गेम्स हो या फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हो, जितने भी गेम हो, ये सब साल में एक बार ही आते हैं। अगर आप ट्रायल दे रहे हो, सपोज़ आप डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल दे रहे हो और डिस्ट्रिक्ट के लिए आप लगातार एक साल से प्रैक्टिस कर रहे हो और आप डिस्ट्रिक्ट में हार गए, तो वो एक साल है, वो आपकी प्रैक्टिस तो काउंट हुई है, बट अगर आप हार गए तो आपका वो नील रह गया, जो आपकी पोजीशन थी, आपका जो आप जहाँ स्टैंड कर रहे हो बॉक्सिंग के अंदर, वो नील रह गया, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट भी नहीं जीत पाए। और सपोज़ कोई 6 महीने प्रैक्टिस कर रहा है, किसी ने 3-4 महीने प्रैक्टिस करी और वो डिस्ट्रिक्ट जीत गया, स्टेट गया, स्टेट भी जीत गया, तो ऐसे टाइम मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि आप गेम में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो। जब डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, स्टेट हो रहे हैं, उसमें आप कितने कॉन्फिडेंस है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, ये चीज़ मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि आप इतने घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितना सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, या फिर आप किसी के कहने से तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या फिर सपोज़ आपको कोच बुरी तरह मार रहा है जब आप 3-4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, और एक आप खुद के मन से प्रैक्टिस कर रहे हो कि यार मुझे बॉक्सिंग में आगे बढ़ना है तो मेरे को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है। तो एक ये चीज़ मैटर करती है बॉक्सिंग में आगे बढ़ने के लिए। तो ये हमारा सिंपल सा पॉइंट था कि बॉक्सिंग में हमको आगे बढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा। तो इसका कोई आंसर नहीं है, आप जितनी मेहनत करोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, उस चीज़ के लिए जितना कंसिस्टेंट रहोगे, आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। बट ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब भी आपकी ट्रायल हो तो उसमें आप जीतो। और बॉक्सिंग में सिल्वर या ब्रॉन्ज की कोई वैल्यू नहीं होती, आपको सिर्फ गोल्ड ही जीतना पड़ेगा। अगर आप गोल्ड जीतोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। तो हमारा सिंपल सा पॉइंट था कि सिल्वर ब्रॉन्ज की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर आप गोल्ड जीतोगे तो ही आगे बढ़ोगे। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट, इससे रिलेटेड आपका जो भी डाउट होगा वो दूर हो गया होगा कि हम बॉक्सिंग में कितना टाइम, कि हमें बॉक्सिंग में कितना टाइम लगेगा आगे बढ़ने में, हम कितने टाइम में नेशनल खेल लेंगे। तो ये सब चीज़ मैटर नहीं करती, आपका हार्डवर्क, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आप कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हो, ये मैटर करता है। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप सोच रहे हो कि यार मैं इस साल नेशनल खेल लूँगा, आप तो सोच रहे हो, बट सपोज आप डिस्ट्रिक्ट में ही हार गए तो आप नेशनल कैसे खेलोगे। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो पूरा पूरा कि मुझे नेशनल खेलना है, तो आप उस हिसाब से हार्डवर्क करो। तो ये तो हमारा बेसिक पॉइंट, हमें नेशनल में कितना टाइम लग जाएगा, ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आप कैसा हार्डवर्क कर रहे हो, कैसी मेहनत कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिपेंड, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर डिपेंड करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें बॉक्सिंग एज अ पैशनेट करनी है, बॉक्सिंग में इंटरनेशनल नेशनल लेवल खेलने के लिए नहीं करनी, तो इससे रिलेटेड क्या करियर है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, आप एज अ बॉक्सर किसी भी जिम में बॉक्सिंग ट्रेनर बन सकते हो। इसके थ्रू आपको बॉडी, जब आप बॉक्सिंग का वर्कआउट करोगे तो इसके थ्रू आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग की नॉलेज आ जाएगी, बॉडी वेट वर्कआउट जो करते हैं उससे उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि हम बॉक्सिंग वर्कआउट करते हैं तो मोबिलिटी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, इन सब पे हमें काम करना पड़ता है। तो जब भी आप इन सब पे काम करोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी, तो आप किसी भी जिम में एज अ बॉक्सर ट्रेनर बन सकते हो। इससे आप लोगों को हेल्प कर पाओगे, उनकी जो डाउट होते हैं आप देखते होंगे जिम के अंदर, कई लोग फीडबैक करते हैं वो सिर्फ ऐसे ऐसे मारते हैं, तो आप उनकी ये चीज़ को दूर कर पाओगे, सही तरीका बता पाओगे कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे कर। तो ये तो मेन पॉइंट ये आता है। इसके बाद हमारा मेन पॉइंट आता है कि आप अपने अंदर सेल्फ डिफेंस की स्किल्स इंक्रीज कर रहे हो। सपोज़ आपकी कहीं फाइट हो गई, आपको अपने आपको डिफेंस करना है, अगर आप सिंपल कैजुअल हो तो आप घबरा जाओगे, अपने आपको डिफेंस नहीं कर पाओगे, बट अगर आपको बॉक्सिंग आती है, बॉक्सिंग की स्किल्स आती हैं, तो आप अपने आपको ईजिली सेल्फ डिफेंस कर लोगे। इसके थ्रू आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप 2-3 पंच मारोगे तो आप वैसे ही फाइट को जीत जाओगे, आप इजीली 3-4 बंदों को डिफीट कर दोगे। तो मेन हमारा सेल्फ डिफेंस की स्किल्स इंक्रीज हो रही है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आप किसी भी स्कूल में PTI बन सकते हो बॉक्सिंग के थ्रू, आप बच्चों को बॉक्सिंग सिखा सकते हो। हर स्कूल अपने आपको रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी जगह, चाहे वो CBSE हो, क्लस्टर लेवल हो, या फिर कोई लोकल गेम्स होते हैं उनमें रिप्रेजेंट करे, क्योंकि बॉक्सिंग भी गेम है। तो आप एज अ बॉक्सर उन स्कूल में PTI बन सकते हो, बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हो। अगर आपको बॉक्सिंग की और अच्छी नॉलेज आ गई तो आप खुद की अकेडमी खोल सकते हो, बेसिक लोगों को बेसिक बॉक्सिंग सिखा सकते हो, सेल्फ डिफेंस के लिए करवा सकते हो,
उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए करा सकते हो, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हो बॉडी वेट ट्रेनिंग के थ्रू। तो ऐसे आप अपनी खुद की अकेडमी भी डाल सकते हो और साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकते हो। तो ये तो कुछ बॉक्सिंग से रिलेटेड करियर। तो होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, आपके जो भी डाउट हो वो दूर हो गए हो। बाकी अगर आपका कोई और डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपके डाउट को दूर करने का। तो होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।